सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। वो रहा लावारिस सूटकेस, रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। क्लियर है, अंदर कुछ भी नहीं है। आर यू श्योर बॉम्ब नहीं है बैग में? नहीं है सर, पक्का नहीं है। वाह रेनॉल्ड वाह, थैंक यू पीटर। रेनॉल्ड का पूरा खानदान इसी तरह देश सेवा में लगा रहता है। इसकी मम्मी मारिया भी ऐसे ही थी। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। बाय रेनॉल्ड, बाय। डोंट फॉरगेट मी नाउ। अब भी नहीं पहचान पा रहा है। गुड बॉय। भाई थैंक यू। ओ स्मार्ट टीम है ये। हां चलो अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। आइए आइए आइए। क्विक क्विक क्विक। बाय रेनॉल्ड। बाय बाय। टेक केयर। तो पांडे साहब अब क्या करें? अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जब इस सूटकेस में बॉम्ब है ही नहीं तो मैं जा ही सकता हूँ। भारी है। लॉक किया हुआ है। कितना चालाक है देखो, लॉक करके चाबी खुद लेकर चले गया और सूटकेस यहाँ छोड़ गया हम लोगों को परेशान करने के लिए। पांडे जी संभाल के। बंदूक से सूटकेस खोलेंगे? नहीं चाचा जी, मुंबई पुलिस हर चीज का बैकअप रखती है। पुलिस के पास चाकू? चाकू? सिर्फ लगाता है। ओह माय गॉड! पांडे जी क्या है इसमें? इसमें तो साड़ियां। साड़ी? साड़ियां? साड़ियां कैसे होती हैं? अरे लवली, ये छोटे? ओहो, ये तो मस्त बना के डिजाइनर साड़ी। देखो यहाँ वो बिचने भी तो देखो राशि। हाँ बात है। अरे वाह, बनारसी डिजाइनर साड़ी है। हाँ, और इसके कलर्स कितने ब्राइट है ना, एकदम ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट। या और देखिए ना, ये साड़ियों की बॉर्डर एकदम अलग है। अरे देखो ना, एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, क्या कढ़ाई की है। हाँ, मटेरियल भी सॉफ्ट है एकदम। हाँ, देखो नाइस। और पांडे सर, ये साड़ियाँ कितने की है? ये सवाल आप साड़ी का मुझसे क्यों पूछ रही है?
अबे मुझे क्या मालूम कितने की है साड़ी। ओह सॉरी सॉरी, वो आपने सूटकेस खोली ना तो मैंने आपको ही पूछ लिया। अरे अरे पांडे जी, पहले ये तो चेक कीजिए कि ये सूटकेस जो छोड़ के गया है उसका कुछ नाम मतलब पता कुछ है कि नहीं अंदर। हाँ चाचा जी, यू आर राइट। एक मिनट एक मिनट, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज, शांति रखिए। सरिता सरिता सरिता, साड़ी के मिल का नाम है, ले लीजिए। ना नाम ही इतना बड़ा बैग है, ना नाम है, ना फोन नंबर, साड़ी है पीछे भी नहीं। नहीं ये कैसे पता, कमाल का आदमी है यार। साड़ियां रख सकता है लेकिन अपना नाम और टेलीफोन नंबर नहीं रखता। सूटकेस में ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे पता चल सके कि ये सूटकेस किसका है। परेशान करके रख दिया इस सूटकेस ने। माल है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां कौन छोड़ के गया होगा यहाँ। वही तो चाचा जी, ये गलत काम जिस किसी ने भी किया होगा कानून उसे ढूंढ निकालेगा। जिस तरह से उसने ये लापरवाही से ये सूटकेस छोड़ा है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। बराबर। हाँ तो परेशान करके रख दिया है। और उसकी सजा ये होगी, ये सारी साड़ियाँ आप लोग आपस में बांट दीजिए। नहीं 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 पंडित साहब, हमें ये साड़ियाँ मुफ्त में नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी, गुस्से में मैं जरा भावुक हो गया था, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, प्लीज दे दीजिए। हाँ लेकिन जो भी हो चाचा जी, इस सूटकेस के मालिक का सुराग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ? ये सूटकेस मेरा है। क्या? ये सूटकेस तुम्हारा है? तो तुम वो लापरवाह गुनेगार, यू आर अंडर अरेस्ट। इस तरह कोई सूटकेस छोड़ कर जाता है, टेंशन देता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, ये मैं जानबूझ के छोड़ कर नहीं गया था, मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सिर्फ कानून बोलेगा और तू सिर्फ सुनेगा। अरे पांडे जी सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। हाँ भाई क्या कहना चाहता है कहेगा, तुम्हें जानता नहीं है, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोला ना तो पड़ेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं साड़ियों का सेल्समैन हूँ और सोसाइटी सोसाइटी जाकर साड़ियाँ बेचता हूँ, और मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना था इसलिए साड़ियाँ बेचने यहाँ चला आया। और इंस्पेक्टर साहब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरे घर से फोन आया कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को लिवर पेन शुरू हो गया। क्या? मैं पहुँचता हूँ जल्दी, ऑटो ऑटो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसी जल्दबाजी में ये सूटकेस मैं यहाँ भूलकर चला गया। भगवान, ओहो तो ये बात है। भाई साहब अभी भाभी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाह सरस, तो लड़का हुआ कि लड़की? जी लड़की हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अरे अरे एक मिनट, तू कहीं ये सब कहानी तो नहीं बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं, मेरे बीवी और बच्चे दोनों वहीं पर हैं। पांडे जी मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई लेकिन ये तू जो सूटकेस यहाँ भूल गया उस वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई पता है तुझे? क्या हालत थी हमारी जी? मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं पांडे जी, इसे माफ कर दीजिए। चाचा जी कानून तो इसे माफ कर देगा, पर बासुंदी का क्या? बासुंदी खिलाऊंगा ना साहब। बासुंदी मेरे बीवी का नाम है। सॉरी सर, सॉरी। खिलाना ही है तो चमचम खिलाओ। कि चमचम तो मेरी बीवी का नाम है सर। नाउ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच।
सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे? और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे माफ न कर दो। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना, अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूँ, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना, अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूँ, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। हाँ हाँ, बराबर है। भाई साहब, आपकी ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है, हम लोग इसे खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचेंगे? मैं साड़ी बेचने के लिए ही आया हूँ। ये क्या कर रही हैं दया बहन आप? अरे नहीं, मतलब हम सब लेडीज की तरफ से बासुदी भाभी को साड़ी की गिफ्ट। जी जी। सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी ये सब नहीं ले सकता। अरे देखिए, आपको लेनी ही पड़ेगी साड़ी। आज बासुदी भाभी की शॉपिंग करने की बहुत इच्छा थी ना, तो आप प्लीज ये लेकर जाइए, प्लीज। हम सब की ओर से भाभी के लिए। हाँ। अरे लेकिन नहीं, आपको लेनी ही पड़ेगी, प्लीज प्लीज। अरे पांडे जी, ले लीजिए। हाँ, हम लोग बहुत प्यार से दे रहे हैं, लीजिए ना। ठीक है, बासुंदी को बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू दया बहन। अरे उसमें क्या। थैंक यू भाई, अगर पसंद नहीं आया इसका कलर तो चेंज कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू दया बहन। भाई साहब, हमने ये सब साड़ियाँ पसंद की है तो कितने रुपए हुए? नहीं नहीं, देखिए आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ भाई साहब, वरना हम साड़ी नहीं लेंगे। बराबर। ठीक है, आप लोगों के लिए भाव टू भाव। देखिए ये जो है 3,500 की है, और ये वाली 4,000 की, और ये थोड़ी भारी वाली इसलिए 5,000 की, और देखिए ये थोड़ी और महंगी है 6,000। हाँ ये लीजिए भैया। हाँ मैंने 2 साड़ियाँ ली है। मंगलू, तेरा भी फायदा हो गया, ये सारी साड़ियाँ तेरे पास प्रेस होने के लिए आएगी। सही कहा अब्दुल भाई आपने। समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। दरअसल मैं 4-5 दिन से इतना परेशान था कि वाइफ की डिलीवरी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, लेकिन आप सब ने साड़ियाँ खरीद कर मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। अरे भाई, तुम्हारे घर बेटी हुई है, बेटी, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अब तुम देखना, ये तुम्हारा साड़ी बेचने का काम दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। देखना, आपकी बेटी आपका नसीब खोल देगी, थोड़े ही दिन में आप साड़ियों की दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया धन कहते हैं उन्हें। सभी बेटा पैदा होने के लिए मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होने के लिए कोई दुआएं नहीं करता। सच तो यह है, गाँव वालों को इसी सोच से तंग आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ शहर आ गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने पहली सांस वहाँ ली जहाँ बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटी को बोझ समझते हैं वो खुद ही इस धरती पे बोझ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी, लड़कियाँ तो देवी का स्वरूप होती हैं। पर खैर, लगता है मैं काफी देर कुकुलधाम में रुक गया, मुझे अब निकलना चाहिए। ओके, मेरी जीप कहाँ है? अरे पांडे जी, आप तो रिक्शा में आए थे। मैं रिक्शे में आया था? ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि मैं जीप में आया था कि रिक्शा में आया था।
लेकिन बाहर से ऑटो मिल जाएगा ना? हाँ, बाहर मिल जाएगा। नहीं मिला तो थोड़ा वॉक कर लेंगे, थोड़ा हेल्थ फिट रहेगा ना। हाँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, नेविन साड़ी के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अच्छी साड़ियों की शॉपिंग हो गई। थैंक यू थैंक यू। ऑटो रुक। बाबू जी ला, तुम सब लोग की शॉपिंग तो यही हो गई है। अब हम लोगों को शॉपिंग करने के लिए बाहर मॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सोसाइटी कंपाउंड में सूटकेस का क्या किस्सा हुआ? बहू से पूछना, वही बताएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। अरे दया, ये सूटकेस का किस्सा क्या हुआ सोसाइटी कंपाउंड में? वो टप्पू के पापा, हुआ यूँ कि हम सब लेडीज ने आज घर का सारा कामकाज निपटा कर दोपहर को शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया, और हम सब लेडीज शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर नीचे सोसाइटी में मिले भी, और तभी अब्दुल भाई आए। उन्होंने बताया कि कब से सोसाइटी कंपाउंड में एक सूटकेस अकेली अकेली पड़ी है, और पता करने पर पता चला कि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे, फिर? फिर क्या हुआ कि हम लोग लोगों ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। अरे असली हिम्मत तो हमें बापूजी ने दी थी, बाकी हम लोग तो डर के मारे आप लोगों को फानी करने वाले थे, लेकिन बापूजी ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि आप लेडीज लोगों को ही हिम्मत करके इसमें से रास्ता निकालना होगा। बराबर है, वाह बापूजी वाह, लेडीज लोगों की हिम्मत बढ़ा के आपने बहुत अच्छा काम किया। जीतिया, आजकल की महिलाएं हर मुसीबत में रास्ता निकाल सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टप्पू के पापा, इसका फायदा ये हुआ कि हम लेडीज लोगों की शॉपिंग सोसाइटी कंपाउंड में ही हो गई। और घर बैठे एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मिल गई। ओहो, फिर तो सब लेडीज लोग खुशम खुश हो गई होगी। हाँ तो एक बहुत खुश हो गई। वाह वाह, चल इसी बात पे एक वाटे कड़ी और पिला, चल। बहुत बढ़िया बनी है खिचड़ी भी। गोकुल धाम की महिलाओं की शॉपिंग की इच्छा घर बैठे पूरी हो गई। भाई अंत भला तो सब भला, कमाल है ऊपर वाले का। हम लोग जिंदगी में कितनी प्लानिंग क्यों ना कर लें, लेकिन ऊपर वाला जो है ना हमसे 10 कदम आगे की प्लानिंग रखता है। शुरू में हम परेशान जरूर होते हैं, लेकिन बाद में वो हमें सरप्राइज कर देता है, खुशी देता है, क्योंकि ऊपर वाला हमें कभी निराश और उदास नहीं देखना चाहता, हमें खुश देखना चाहता है। इसलिए जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो तो कभी होता नहीं, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। और गोकुल धाम भी वही जगह है, यहाँ जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा होता। अब कल क्या होगा ये मैंने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन इतना जरूर सोचा है कि आपको हंसने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत दिन हो गए बबीता जी कसरत करते हुए नजर नहीं आए, उनको बताना पड़ेगा, उनको कसरत करते हुए देख के मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य बिगड़ गया मेरा। क्या बात है, आज एक साइंटिस्ट इतनी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। हाँ, यार मेरा भगवान तो साइंस है, लेकिन ये भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, इसने इस भगवान से बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम इंद्राणी के घर पे जाना है। इंद्राणी के घर पे क्यों? अरे भूल गए, आज इंद्राणी के घर पे गृह प्रवेश की पूजा है, हमें वहाँ पे जाना है। बबीता, मेरा ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है,
क्या है, आजकल में किसी का प्रमोशन हो सकता है, हो सकता है उसमें मेरा नाम भी हो। That's fantastic, congratulations. नहीं बबीता, मेरे को अभी congratulation मत करो, अभी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक नो congratulation. क्या बबीता, पिछले 3 साल से मेरा नाम नॉमिनेट हो रहा है लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और का प्रमोशन हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या बबीता, बॉस के साथ में हमेशा मेरा किट-किट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले उसने सबके सामने मेरे को डांटा तो मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसलिए शायद वो मेरे को प्रमोशन नहीं देंगे। That's not fair. तुम हमेशा दिल से काम करते हो और तुमने कितने सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, तो ये प्रमोशन तुम ही डिजर्व करते हो। मैं भी भगवान को यही बोल रहा था। तथास्तु। अगर थोड़ी देर के लिए सही, हमें जरा इंद्राणी के घर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। भाभी साहब, मैं एक काम करता हूँ, आज पूरे दिन का छुट्टी ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दया, चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। ओहो, आज तो कुछ चाय ज्यादा ही गर्म लग रही है। फोन आया। अच्छा, तो जा दरवाजा खोल। अरे फोन आया। अब पता है भाई, फोन है मेरी जेब में ही, फोन है तो मुझे तो सुनाई देगा ना। तुम भी दया। ये नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, मुझे सब याद है, इनकम टैक्स रिटर्न पेपर साइन करना है, वहाँ से अपने सीए मनोज भाई को उधर जाना है और फिर वहाँ से बैंक जाना है और वो सब कंपटक है, मुझे दुकान आना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ 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 पापा, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। हाँ तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? क्या बात बतानी है, क्या क्या बतानी है बात? अरे अरे धीरे धीरे मार भाई, वरना इस तरफ से बात बाहर निकल जाएगी। टपकी पापा, एक मिनट मुझे जरा सोचने दीजिए, क्या बात बतानी है, क्या बताना है, क्या बताना है, मुझे क्या बताना है आपको? अरे दया, मुझे कैसे पता होगा तुझे मुझे क्या बताना है? ओ, नहीं नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ कि मुझे आपको क्या बताना है, कुछ तो बताना है। दरअसल याद नहीं आ रहा कि मुझे आपको क्या बताना है। कोई बात नहीं, याद आ जाए तो फोन कर देना, मैं निकल रहा हूँ। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। याद आ गया। ए, शांति, आहिस्ता भाई। फोन, टपू के पापा, फोन। फोन? नहीं, आपके लिए मुझे किसी का फोन आया था। हाँ हाँ, किसका? वही तो, याद नहीं आ रहा है किसका फोन था। दया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। एक काम कर रहे, याद आते फोन कर देना ना। चलो, सबसे बात करनी पड़ेगी वरना सोसाइटी का लाइट और पानी दोनों कट जाएगा। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे हाथी भाई। अरे कायका, गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, बहुत टेंशन में लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी नाड़ी नहीं हाथी भाई, सोसाइटी की नाड़ी चेक कीजिए आप। सोसाइटी की नाड़ी मतलब? मतलब ये देखिए, देखिए देखिए हाथी भाई, देखिए, आपकी भाषा में बोलूं ना तो अपने सोसाइटी के फाइनेंशियल कंडीशन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे बड़े मास्टर, अपनी सोसाइटी की हालत तो बहुत पतली है भाई, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी आप सही बोले। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ भिड़े? हाथी भाई सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पोपटलाल। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सोसाइटी का हिसाब देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भिड़े ने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर दी क्या? पोपटलाल। अरे भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है पोपटलाल, तुम फाइल देखो ना। हाँ उसमें क्या है? अरे बाप रे, हमारी सोसाइटी 20,000 रुपया माइनस में चल रही है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोसाइटी डेफिसिट में है। तो भाई भिड़े, ये सारे पैसे गए कहाँ? गए का मतलब? पोपटलाल तुम फाइल ठीक से देखो, यहाँ पे रिसीट्स और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, सारा खर्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। नहीं नहीं, वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक कैसे सोसाइटी का फंड कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। पोपटलाल अचानक नहीं हुआ है, ठीक से देखो समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल में लाइट और पानी का बिल 20% बढ़ा हुआ है और उसके सामने हमने पिछले 4 साल में मेंटेनेंस 1% भी नहीं बढ़ाया है, तो बैलेंस शीट में फर्क तो आएगा ही ना। पोपटलाल, भिड़े मास्टर की बात बिल्कुल सही है और भिड़े मास्टर, इस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई। हाँ, इसलिए मैंने सारा हिसाब कर लिया है, पर फ्लैट 200 रुपए बढ़ाना होगा।
तो ठीक है बढ़ा दो 200 रुपए। अरे क्या बढ़ा दो 200 रुपए? भीड़े हाथी भाई, आप ऐसे खड़े खड़े सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी, सोसाइटी की मीटिंग में मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, बहस करनी पड़ेगी, और फिर मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात पर बहस होगी और बहस के बाद यह तय होगा कि मेंटेनेंस बढ़े या नहीं बढ़े। भाई पोपटलाल, सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम है भाई, जरा शांति रखो जीवन में। कैसे शांति रखूं जेठालाल, भीड़े को देखो, बिना सोचे समझे सोसाइटी का मेंटेनेंस 200 रुपया बढ़ा रहा। 200 रुपया? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं 200 रुपए का बढ़ावा नहीं होने दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल, मैंने कोई बिना सोचे समझे 200 रुपया नहीं बढ़ाया भाई, तुम व्यापारी आदमी हो, ये फाइल देखो समझ जाओगे। हाँ देखो भाई, देखो तुम देखो। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देखना है भीड़े। थैंक यू जेठालाल। देखा भिड़े, जेठालाल भी 200 रुपया बढ़ाने के खिलाफ है। ओ एक मिनट भाई, मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे भिड़े के हिसाब किताब पे पूरा भरोसा है। अरे एक थैंक यू भिड़े, जितना मर्जी उतना मेंटेनेंस बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। हाँ भिड़े मास्टर, थैंक यू। एक मिनट, आप लोग भीड़े से इतना डर क्यों रहे हो? ए भाई, भीड़े से कोई डर नहीं रहा है, पर तू भी अपना यह वाहियात विरोध करना बंद कर भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया, तो भीड़े के अपनी जेब से पैसे निकलेगा नहीं तर गए। और पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस में 50-50 रुपए बढ़ाते, लेकिन हर बार पोपटलाल के विरोध की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पाए। सही बात है बड़े मास्टर की, पोपटलाल अगर तुम उस समय मान गए होते तो 50 रुपए में काम हो जाता, तो अब तुम्हारी वजह से सबको एक साथ 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं। मग? कुछ भी हो जाए भिड़े, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, 200 रुपए का 200 गुना विरोध करूंगा। अरे अरे भाई, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोऑपरेटिव का मतलब नहीं मालूम? ये पोपट पे इतना चिल्ला क्यों रहे? बाबीदा उसका रोज का है, हमको लेट होगा, चलो। एक दूसरे की तकलीफ को समझना। बबीता जी, अरे भाई तुम लखपति होंगे, मैं लखपति नहीं हूँ। अरे काय का लखपति, हम लोग सिर्फ पति है भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वैसे सुबह सुबह दोनों तैयार होके कहाँ चले? जेठालाल मैं रास्ते में जाते जाते तुमको फोन पर बता दूंगा, ओके? अभी मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, चलो चलो बबीता। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच बबीता, चले। हाँ 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 अय्यर भाई आप भी। हाँ हाँ थैंक यू। एक मिनट अय्यर भाई, अय्यर भाई भिड़े का कुछ समझाओ। क्या समझाओ, किन बारे में? अय्यर भाई भिड़े महीने के 200 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाने को बोल रहा है। हाँ तो मेरे को मालूम है, पोपटलाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चार्ट मैंने ही आत्माराम के साथ बैठकर बनाया है। क्या है, पिछले 1 साल से हमारा सोसाइटी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेंटेनेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके चले। हाँ। अरे क्या चलो भाई, एक मिनट रुको, आप लोग बिना सोसाइटी की मीटिंग बुलाए ऐसे आपस में मेंटेनेंस का मुद्दा तय नहीं कर सकते? पोपटलाल मैं विनती करता हूँ भाई, इस बार कोई विरोध मत करना। भिड़े मास्टर, पोपटलाल को विरोध करने दो, हमारे पास बहुमत है। होने दो बहुमत, मैं आपके बहुमत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, जरूरत पड़ने पर इस अन्याय के खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगा। पोपट भाई, आप प्लीज ऐसा मत करना, भूखे रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। सही बात है, पर दया है सोसाइटी के मैटर में तू मगजमारी मत कर भाई, तू रहने दे। बोलने दो जेठालाल, दया भाभी को बोलने दो, मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाले को तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू दया भाभी। और भिड़े, तुम आज के आज सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग में तय होने दो कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पोपटलाल तुम बेवजह जिद कर रहे हो। अय्यर भाई, मैं अपने कमिटी मेंबर होने के अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है। तो मेंबर हो तो क्या है, हमें यह तुम्हारे मन में जब भी आएगा तब मीटिंग बुलाने का जिद करोगे?
हम लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा मीटिंग बुलाते रहने का। सही बात है। सही तो क्या? क्या पोपटलाल, हर छोटी छोटी बात पे तुम विरोध करते हो? तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं विरोधी लाल होना चाहिए। मेरा जो नाम रखना है रखो, लेकिन पहले मीटिंग बुलाओ और जो कुछ तय होगा वो मीटिंग में ही तय होगा। जिद्दी है पोपटलाल, हर बार मीटिंग में तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करते हो, सबका टाइम वेस्ट करते हो। नाउ इनफ इज इनफ। यस अय्यर, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। हाँ बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ यार भाई, शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं बबीता, मैं साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। और उधर ऑफिस में मेरा कितना इज्जत है, वहां पे सब लोग मेरे को ऐसा सैल्यूट मारते हैं। और उधर सोसाइटी में ये पोपटलाल 200 रुपए के लिए मेरे झगड़ा करता है। मैं तंग आ गया इस लड़ाई झगड़े से, आता आराम अभी के अभी मैं ट्रेजरर की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। Now I'm out of the committee. अय्यर भाई, please आप शांत हो जाइए, please. नहीं नहीं देवा भी, अय्यर सही बोल रहा है। और यार तुम क्या, मैं भी रेजिग्नेशन देता हूँ। पोपटलाल ये पकड़ो फाइल, आज से तुम ही सोसाइटी के सेक्रेटरी, तुम ही ट्रेजरर, संभालो सोसाइटी में। अरे 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 भाई सुनो सुनो, संभाल के भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? घूम रहे थे तो मुझे लगा मुझे लग जाएगा। अरे वो भीड़ है, हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ी है जो तुझे लग जाएगा। सॉरी। अरे भीड़े मास्टर शांत हो जाओ, अय्यर भाई आप भी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्से में रिजाइन करना ठीक नहीं है भाई। अरे पोपटलाल तो बुड़बक है, आप दोनों बुड़बक हो? अरे तो उसे ये दोनों बेचारे सुबह सुबह तैयार होकर किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से अटक गए। बबीता जी बेचारे कितने परेशान हो गए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सॉरी बोल रहे पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी बोलो बबीता जी को। हाँ। लेकिन बबीता जी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे मतलब अय्यर भाई और भीड़े को सॉरी बोलो, है ना आते भाई? सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, भिड़े अय्यर भाई हाथी भाई आप सबको सॉरी। देखिए मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है, बोलते बोलते कभी ऊपर चली जाती है पता ही नहीं चलता, और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। भाई भिड़े ये लो फाइल, तुम ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बने रहो, और अय्यर भाई आप ट्रेजरर बने रहो। वैसे आप लोगों ने ये जो इस्तीफे की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूँ कि 200 रुपए वाले मुद्दे पर एक बार और विचार विमर्श कीजिएगा, 50 रुपए तक ठीक है। गाढ़वा पुड़े वासली गीता। आज मैम ये पापड़ डाल के समझाना बेकार है। बबीता वी आर गेटिंग लेट, चलो जल्दी जल्दी चलो। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कितने क्या ये देखो, अरे ये किसने किया, ये मेरा पूरा कोट गंदा कर दिया, मेरा पूरा कोट क्या किया ये? अरे अरे टप्पू क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी बाबा सॉरी सॉरी अय्यर अंकल, वो बॉल पेड़ को लगकर आपको लगा। हाँ। सॉरी मैंने तो की कुछ तरफ मारी थी, सॉरी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अय्यर भाई आपको लगा तो नहीं ना? नहीं लेकिन मेरे कार्ड को लगा ये दब्बा। अय्यर भाई आप एक काम कीजिए, ये कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं इसे फटाफट धोकर इस्त्री करके आपको दे देती हूँ, लाइए जल्दी। अरे भाई ये कोट का जो कपड़ा है ना, वो कंतन की गुणी जितना झाड़ा होता है, मोटा एकदम, तो उसको तू धोएगी ना तो 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। तो अभी ये सब मेरे दादी क्यों होता है, एक तो अपने को जाने के जल्दी ऊपर से ये कोट खराब हो गया। इट्स ओके, इट्स जस्ट चिल, इन लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया है ना, इट हैपेंस। इट्स ओके, चलो कम ऑन बच्चों आप लोग जाके खेलो। थैंक यू थैंक यू सॉरी। ओके कितने अच्छे हैं बबीता जी। मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। हाँ प्लीज।
इतना अच्छा सूट है यार भाई, कब बिगड़ गया? वैसे बबीता जी, इतने अच्छे कपड़े पहन के सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरे कजिन ने एक नया घर लिया है गोरेगांव वेस्ट में। अरे मुबारक हो। तो आज उसकी गृह प्रवेश की पूजा है, सो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। अच्छा, इसीलिए आपने ये सलवार कमीज पहना है? वाह वाह वाह, ये सलवार कमीज में भी बबीता जी कितने अच्छे लग रहे नहीं? हाँ, बबीता जी है ही ऐसे, कोई भी ड्रेस पहने अच्छे ही लगते हैं। अरे क्या आप लोग भी ना? नहीं नहीं बबीता जी, जो सच है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ। बबीता जी, बबीता फाइनली अब हम लोग चलें? तो मैं तो कब से रेडी हूँ। तो फिर चलो। एक मिनट, मतलब आइए, मैं आपको छोड़ता हुआ फिर दुकान चला जाऊंगा। हाँ, अच्छा जेड़ा लाल, उसका कोई जरूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड गाड़ी लेकर आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। ठीक, ओके, चलो बबीता। ओके बाय, सी यू। ओके बबीता, ओके यार, बाय बाय। चलो कहाँ? अरे मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेंद्र ऐसा बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी, जय जिनेंद्र। तैयारी है कहाँ? बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फ्रेंड अभी तक गाड़ी लेकर आया क्यों नहीं? हाँ वही तो, आज धूप कितनी है। मेरे ऑफिस से फोन है। हेलो मिस्टर कृष्णन अय्यर, आई नो तुमने आज छुट्टी ली है, लेकिन अभी के अभी लैब आ जाओ, मुझे तुम्हारा काम है। ओके सर, आई विल बी देयर। क्या हुआ? सॉरी बबीता, बॉस ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? हाँ अय्यर, सॉरी बबीता। बबीता यू नो, मेरा ये प्रमोशन का सब चल रहा है, इसमें बॉस के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम इंद्राणी के घर पर अकेली चले जाओ। नहीं अय्यर, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, मैं इंद्राणी को फोन करके मना कर देती हूँ। वन सेकंड, सॉरी बबीता। अय्यर को टेंशन है कि उसका प्रमोशन होगा कि नहीं, और टेंशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि प्रमोशन चीज ही ऐसी है, अगर इंसान के जीवन में प्रमोशन नहीं है, तरक्की नहीं है, तो यकीन मानिए वो जीवन ही नहीं है। लेकिन प्रमोशन का अर्थ यही नहीं है कि आप नौकरी में तरक्की करें। भाई आपकी बीवी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाए तो आपके लिए प्रमोशन है, बच्चे पास हो गए अगली क्लास में जाते रहे तो ये उनके लिए तो प्रमोशन है ही, आपके लिए भी प्रमोशन है। अगर बिजनेस में फायदा हो जाए तो वो तरक्की है। जीवन तरक्की का दूसरा ही रूप है, इसलिए तरक्की ना हो तो आदमी परेशान होता ही है। लेकिन अय्यर बहुत ज्यादा परेशान इसलिए है कि बॉस से झगड़े के कारण उनका प्रमोशन खतरे में है। कहीं अय्यर मायूस तो नहीं हो जाएंगे? उनकी परेशानी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? अय्यर की परेशानियां बढ़ेंगी तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। भाई आपकी घरों में हंसी का प्रमोशन होता रहेगा, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुको 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 रुको, अरे अरे क्या हुआ बबीता जी? अय्यर भाई, आपका दोस्त आने वाला था, गाड़ी लेकर नहीं आया? नहीं, वो हमारा गृह प्रवेश की पूजा में जाना कैंसिल हो गया। अरे क्या हुआ अचानक? बबीता जी इतना मस्त तैयार हुए और आपने कैंसिल कर दिया जाना? वो एक्चुअली ऑफिस से अय्यर के बॉस का फोन आया था, तो उसको अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको जाना था ऑफिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं नहीं जेड़ा लाल, वो बबीता का अकेले जाने का मूड नहीं है, हम फिर कभी साथ में चले जाएंगे। अकेले जाने का मूड नहीं है बबीता जी, तो अगर आप बोलो तो मैं साथ में आ जाता हूँ, कंपनी दे दूंगा उधर गृह प्रवेश में। नहीं नहीं जेठा जी, थैंक यू, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे वापस जा रही हूँ। क्या यार भाई, इतने मस्त बबीता जी उत्साह से तैयार हुए, आप इतने तैयार हुए और अभी मूड बिगाड़ दिया बबीता जी का। नो नो, इट्स ओके, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अय्यर तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना था ना, अर्जेंटली तो जाओ। रिक्शा? अय्यर भाई आपको अर्जेंट है ना, एक काम करो, आप ये रिक्शा में निकल जाओ, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। हाँ। जेड़ालाल एक काम करते है, मैं तुमको तुम्हारे दुकान पर ड्रॉप कर देता हूँ, वहां से फिर मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। ओके बबीता जी, ये मुझे दुकान छोड़ने आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, उनको
वैसे भी बहुत अर्जेंट पहुंचना है ना ऑफिस। हाँ वो भी है। आप निकल जाओ रिक्शा, मैं दूसरा रिक्शा ले लूंगा। तो जड़ेलाल एक काम कर दे, तुम पहले मेरे को मेरे ऑफिस छोड़ दो, उसके बाद तुम तुम्हारे दुकान पे चले जाना। वो भी ठीक है। चलो चलो जड़ेलाल जल्दी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ओके बाय। बाय बबीता जी। बाय बबीता। ओके बाय जेठा जी। बाय आइए। बाय बबीता जी। अरे बबीता जी, बबीता जी। हाय हिदा भाभी। हाय। ये क्या, अब अभी तो गए थे, पटक से वापस भी आ गए? क्या प्लेन में बैठ के गए थे, यूं जाके यूं आ गए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली जाना ही कैंसिल हो गया। क्यों? नहीं नहीं, आईआर के प्रमोशन वाली बात अभी नहीं कहूंगी, हो जाए उसके बाद। बबीता जी किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली घर में कुछ काम है इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। हाँ हाँ, हम लेडीज लोगों को घर के काम का इतना टेंशन होता है ना कि बात ही मत पूछो। आप मानोगे नहीं, घर का थोड़ा सा भी काम बाकी रह जाता है ना, तब तक मुझे भूख नहीं लगती, बोलो। I know, same here. Okay, bye bye भाभी। Bye bye. क्या यार भाई, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया? किया। तो फिर नाखून क्यों खा रहे? टेंशन है। साहब, टेंशन दूर करना है तो रोज सुबह उठ के प्रणाम कीजिए, टेंशन दूर हो जाएगा। करेगा करेगा, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे को लेट हो रहा है। वैसे किस बात का टेंशन है आपको? प्रमोशन का। मतलब कुछ दिनों से प्रमोशन का बात चल रहा है, बस उसी का टेंशन। साहब, आपका प्रमोशन होने वाला है, ये तो खुशी की बात है, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ये आप समझे नहीं भाई, ये खुशी का टेंशन है। क्या मतलब साहब? खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी का टेंशन है ना। आप टेंशन मत लो यार भाई, मेरा दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। हाँ साहब, हमारा भी दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। अरे आप रिक्शा जल्दी चलाओ, मैं अगर जो लेट हो गया तो प्रमोशन तो क्या, नौकरी भी हाथ से जाएगा। इसीलिए अय्यर भैया नौकरी वोकरी करना ही नहीं चाहिए, अपना खुद का धंधा करने का, क्या नौकरी जाने का टेंशन ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पहले हम भी रिक्शा चलाने का नौकरी करते थे, अब खुद का रिक्शा डाल लिए हैं। देखो भैया, आप जल्दी से रिक्शा चलाओ, नहीं तो मेरे को भी नौकरी छोड़ के रिक्शा चलाना पड़ेगा। अरे साहब, अभी रिक्शे की परमिट का बहुत प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से परमिट नहीं मिलता साहब। अरे यहाँ कहाँ उतर रहे हैं आपको? नहीं, मेरे को इस रिक्शा में नहीं बैठना है, मैं दूसरा रिक्शा में जाएगा। नहीं नहीं, हाँ आप बैठो बैठो। ए भाई, हो अभी तुम चुपचाप रिक्शा चलाओ, कुछ बोलो मत, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, इनको लेट हो रहा है भाई। आप टेंशन मत लो यार भाई, टेंशन मत लो, आप टाइम पे ऑफिस पहुँच जाएंगे। और देखना, जैसे आप ऑफिस पहुँचेंगे ना, आपका बॉस कंकु चोखा और आपका प्रमोशन का कागज लेके ऑफिस के दरवाजे पे खड़े ही होंगे आपका इंतजार करते हुए। टेंशन मत लो। हाँ मैं आई, कम इन सर। कम इन। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था, बैठिए। थैंक यू मिस्टर अय्यर। मुझे तुम्हारे काम के बारे में रिपोर्ट मिली है, पूरा स्टाफ तुम्हारे वर्किंग स्टाइल से नाखुश है। व्हाट सर, लेकिन मैं तो अपना काम ठीक से करता हूँ। बीच में मत बोलो, और मैं जो भी कहता हूँ जरा ध्यान से सुनो। पूरा स्टाफ कहता है कि तुम काम बहुत दिल लगा के करते हो, और तुम जो भी काम करते हो बहुत परफेक्शन से करते हो, इसी वजह से उनको लग रहा है कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। सर, मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि बाकी सबसे तुम आगे निकल चुके हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा प्रमोशन? मतलब सर, इस बार मेरा प्रमोशन हुआ? यस, हमारी रिव्यू कमिटी आपके काम से बहुत खुश हुई है, और कल से तुम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे। कल से बाकी का स्टाफ तुम्हें रिपोर्ट करेगा, और ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। लेकिन सर,
पिछली बार आपके और मेरे बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो गया था तो मेरे को ऐसा लगा कि इस बार मेरा प्रमोशन नहीं होगा। हमारे बीच में जो भी हुआ था वो तो काम की वजह से हुआ था। एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर लैब यू डिजर्व मिस्टर अय्यर। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी अपनी वाइफ को यह गुड न्यूज देता हूँ सर, वो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाभी डोंट वरी, सब्जी इतनी महंगी है कि सब लोग पाव पाव किलो ही खरीद रहे हैं। मैं भी पाव किलो ही खरीदने वाली हूँ। अब मुझे है ना ये टमाटर पाव किलो, पापड़ी पाव और भिंडी पाव इतना दे दीजिए। जी दया भाभी। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए ना, मुझे तो लगता है अपने सोसाइटी के गार्डन में सब्जियाँ उगाना शुरू कर देना चाहिए हमें। हमें गार्डन में वेजिटेबल फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये टोटो बच्चे बहुत संजूश है, जो सब्जी अच्छी लगती है पहले उगाएंगे फिर पकाएंगे। सोरस, आप लोग ऐसे सोसाइटी में सब्जी उगाएंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो अब तक हम लोग तुमसे सब्जी खरीदते थे ना, इसके बाद तुम हमसे सब्जी खरीदना और आसपास की सोसाइटी में बेच देना। हम उगाएंगे, तुम बेचना। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हें ज्यादा भाव में सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। घर के कामों में से फुर्सत कहाँ मिलती है, उसमें फुर्सत मिलेगी तब हम लोग खेती करेंगे ना। अरे दया भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। हेलो अय्यर। बबीता एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज बबीता? ऐसी गुड न्यूज है कि तुम सुनोगी ना तो खुशी से उछल पड़ोगी। ओहो अय्यर अभी पहेलियां बुझाना बंद करो, बोलो तो सही कि क्या गुड न्यूज है। बबीता गुड न्यूज ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। बबीता अब मैं हमारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। ओह माय गॉड अय्यर कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बबीता जी, अय्यर को प्रमोशन मिला है। अरे थैंक यू अय्यर, सब लोग तुम्हें कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। तो बबीता तुम मेरे तरफ से भी सबको थैंक यू बोल दो। बबीता अभी मैं फोन रखता हूँ, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओके मैं घर पर आकर सब डिटेल में तुमको बताता हूँ। ओके ओके बाय बाय सी यू। ओके बाय सी यू। अय्यर ने आप सबको थैंक यू बोला है। थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देखो प्रमोशनल हुआ है तो मिठाई भी खिलानी पड़ेगी। टॉप अच्छी बात। बरोबर है। हाँ हाँ रसगुल्ला। अरे ऑफ कोर्स ये भी कोई बोलने की बात है क्या? याद रखना। अरे सब्जियाँ खराब हो गई। सेठ जी आप आ गए। गिव मी फाइल। मुझे दे दीजिए। सेठ जी जल्दी मिठाई मंगवाइए, मुंह मीठा करवाइए। किस खुशी में? अरे सेठ जी ऐसी खुशखबरी है कि जिसे सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। बाबरी की शादी हो गई सेठ जी? सॉरी क्या खुशखबरी क्या है वो तो बताइए। सेठ जी आपको याद है हमारे एक डीलर है बड़क सिंह झगड़िया? याद है? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। 10 लाख का पेमेंट बाकी है, जब भी पेमेंट के लिए फोन करो तो पहले भड़कता है फिर झगड़ा करता है। सेठ जी उसी भड़क सिंह झगड़िया ने सामने से 10 लाख रुपए के पेमेंट का चेक भेज दिया है। क्या नटू काका? हाँ सेठ जी इसी खुशी में तो हम दोनों विक्ट्री डांस कर रहे थे। वाह 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 नटू काका, वाह मजा आ गया। और वो तो बॉक्स आप दोनों ले लो और ये बॉक्स मगन का दे दो। ओके सेठ जी। ओके नहीं अभी के अभी जा जी। नटू काका
पैसे। चल चल बागा, दुकान में चल देता हूँ। एक मिनट टू काका, बागा मिठाई रहने दे। तू तीनों के लिए एक एक पेटी आम लेके आ। अरे थैंक यू सर जी, थैंक यू। टप्पू के पापा को अय्यर भाई की तरक्की की खुशखबर देती हूँ, वो सब खुश हो जाएंगे। अरे ये टप्पू के पापा का फोन लग क्यों नहीं रहा है? घर का फोन बिजी आ रहा है। अरे अरे, ये दया जरूर अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। ये टप्पू के पापा दुकान में काम करते हैं कि फोन पे बातें ही करते रहते हैं? हेलो। अरे दया क्या कर रही है, कितना फोन बिजी आ रहा है, इतना क्या टाइम पास कर रही है माँ से? टप्पू के पापा, मैं माँ से बात नहीं कर रही थी। तो किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अरे तो फोन बिजी क्यों आ रहा था? अरे मैं आपको फोन लगा रही थी, उल्टा आपका फोन नहीं लग रहा था। ओ ले बोल। बोलू क्या बोलू? अरे हम दोनों एक दूसरे को फोन लगा रहे थे, उसमें हम दोनों का फोन बिजी आ रहा था। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, इसका मतलब हम दोनों 500 साल जीने वाले हैं। 500 साल कैसे? अरे टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब आप किसी को याद करो और उसी वक्त वो व्यक्ति आ जाए या उनका फोन आ जाए ना, तो उसकी उम्र 100 साल की हो जाती है। और आज एक ही समय पे हम दोनों ने एक दूसरे को याद किया और फोन किया। हाँ तो हम दोनों की उम्र 100-100 साल होगी ना, 500 साल कैसे हो सकती है? अरे टप्पू के पापा, इसके पहले ऐसा 4 बार हो चुका है और आज 5वीं बार हुआ, तो हो गई ना हमारी उम्र 500 साल। अरे दया क्या कुछ भी बोल रही है, वैसे तो हम बूढ़े होंगे तब तक न जाने 50 बार ऐसा होगा, तो क्या हम लोग 5,000 साल जियेंगे? देख दया, मैंने खुशी खुशी एक खुश खबरी सुनाने के लिए तुझे फोन किया, प्लीज मुझे खुश रहने दे। अरे हाँ, टप्पू के पापा, मैं भी आपको खुश खबर सुनाने के लिए फोन कर रही थी। अच्छा हाँ। तेरे पास कौन सी खुश खबरी है? बबीता जी की। बबीता जी की? अरे बबीता जी सुबह मिले तभी तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अरे टप्पू के पापा, बबीता जी को जब अय्यर भाई का फोन आया ना, तभी खुश खबर का पता चला। अच्छा 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 अच्छा, समझा, वो अय्यर भाई के प्रमोशन की खुश खबर होगी, है ना? बराबर बराबर। टप्पू के पापा, अय्यर भाई का ऑफिस में प्रमोशन हो गया है। अरे प्रमोशन नहीं, प्रमोशन। हाँ वही, अभी आप बताइए ना, आप कौन सी खुशखबर बताने वाले थे? अरे हाँ दया, मेरा एक डीलर है भड़क सिंह झगड़िया, तो उसका क्या 10-1 लाख का पेमेंट कब से बाकी था, तो जब भी फोन करो पेमेंट के लिए तो वो दे ही नहीं, भड़क जाए झगड़ा करे। और आज पता नहीं सामने से अचानक उसने 10 लाख का चेक भेज दिया। बोल टप्पू के पापा, सुबह घर पर उनका फोन आया था, ये तो बहुत बड़ी खुशखबर है। तो टप्पू के पापा बताइए, आज घर आते वक्त आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? तू बता मेरी रानी, क्या लेके आऊं? एक सोने का हार और एक हीरे का हार। अरे भाई कुछ सोच समझ के बोल, मेरा 10 लाख का पेमेंट आया है, 50 लाख का नहीं। अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। तू मजाक भी बहुत महंगा करती है। अच्छा चल चल, अभी फोन रख, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को फोन करके बधाई दे देता हूँ। ठीक है ठीक है, बाय। मुबारक हो बबीता जी, मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आप तक बात पहुँच गई। हाँ अभी दया का फोन आया था, उसने बताया कि अय्यर भाई का प्रमोशन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? आज तो वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, उसी तरह आपके ग्रह इतना पावरफुल है कि उसका फायदा अय्यर भाई उठा रहे। जी, आप भी ना। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबीता जी, आप दुनिया के किसी भी ज्योतिष को आप दोनों की कुंडली दिखाएंगे ना, तो वो भी कहेगा कि आज अय्यर भाई जो कुछ भी है आपकी वजह से है। अरे नहीं नहीं जीठा जी, ये सब कुछ अय्यर के हार्डवर्क का ही कमाल है। बबीता जी आप कितनी भोली है, अरे सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता ना, हार्ड लक भी चाहिए जो आपके पास है।
आपके हार्ड लक की वजह से अय्यर भाई का काम हो गया। बहुत नसीबदार है अय्यर भाई। अच्छा बबीता जी, इस खुशी के मौके पर रसगुल्ले तो खिलाने ही पड़ेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? इनफैक्ट सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करवाना है। अच्छा बबीता जी, वो अय्यर भाई को अभी सबके फोन आ रहे होंगे तो सबको वो थैंक यू बोल के बेचारे थक गए होंगे, तो मैं अभी उनको फोन करके परेशान नहीं करना चाहता, तो आप जरा मेरी तरफ से उनको बधाई दे देना, ठीक है? ओके ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। अब मेरा रसगुल्ला भूलना मत। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, बाय, सी यू। ओके बाय बाय बबीता जी। अरे क्या अय्यर भाई, अगर मेरा प्रमोशन होता ना तो सबको मिठाई नहीं खिलाता, एक शानदार पार्टी देता सबको। अरे रिवाज तो ये प्रमोशन का क्या पार्टी देना? हाँ, अगर हमारा डिपार्टमेंट मुझे चांद पर रिसर्च के लिए भेजेगा ना तो फिर मैं फर्स्ट क्लास पार्टी देगा। कहो कहो, मिठा लो मिठा लो। चलो भाई लो, एक मिनट मेरा फोन। हाँ भाई, कहो मिठाई, ये लो भाई। अरे बबीता बोलो। अय्यर, सोसाइटी में तुम्हारी प्रमोशन की खबर से सब लोग बहुत खुश है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम लोग सबको मिठाइयाँ बांटे। हाँ जरूर बांटेंगे, जरूर बांटेंगे। तो एक काम करो ना, ऑफिस से आते वक्त प्लीज मिठाइयाँ लेके आ जाओ। हाँ जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन बबीता तुम एक काम करो ना, हमारे सोसाइटी के पास में जो मिठाई वाला है ना, आधे घंटे में वहाँ पर आओ, मैं यहाँ से लैब से निकल ही रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिठाई लेंगे और फिर सबको बांटेंगे। ओके ग्रेट, सो आई सी यू देयर। ओके ओके ओके, चलो मैं भी लैब से निकलता हूँ। सी यू देयर। या अरे अरे लो मिठाई। अरे अरे जाए ना, नहीं दो चलो दो चलो भाई। गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की शादी हो न हो, लेकिन अय्यर का प्रमोशन जरूर हो गया और अय्यर बेहद खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन जब आदमी बहुत खुश होता है ना साहब, तो कोई ना कोई उसके साथ शरारत जरूर करता है, मस्ती जरूर करता है, और यही मस्ती इस वक्त जेठालाल के मन में पनप रही है। जेठालाल भी अय्यर के प्रमोशन से बड़े ही आनंदित है। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं। जब घनघोर बादल छाए हुए होते हैं तो रिमझिम बरसात जरूर होती है, ठीक उसी तरह अय्यर का प्रमोशन भी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हंगामा लेके आने वाला है आपको मस्ती और हंसी से तर बतर करने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ए जीजे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।